साई राम चिल्ड्रन, इन दिनों हम झपताल का कायदा सीख रहे हैं और उसके बहुत सारे पलटे हमने सीख लिए हैं। उसी क्रम में आज हम तीन और नए पलटे सीखेंगे जो बोलों को उलट पुलट करके हम आगे पीछे करके नई रचनाएं बनाएंगे। वो देखिए किस तरह से होती हैं। हमारा कायदा हमें याद है, 10 मात्रा का है, झपताल में है, झपताल की ताली हमें याद है, तो हमें एक बार झपताल की ताली देकर उसे रिकॉल करना चाहिए। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धागे न धातिट धागे धी न गी न धाति धागे धी न गी न ताके न धातिट ताके धी न गी न धाति धागे धी न गी न धी ना धी। मैंने यहाँ एकदम से दुगुन में लिया था, आप भी ऐसा कर सकते हैं, है ना। अब हम पलटा देखते हैं, आज का क्या है नया पलटा। यहाँ पे हमने एक बोल पहले बजाया था, ठीक है ठीक है, इसी बोल से हमें आज एक नया पलटा बनाएंगे। तो वो क्या हो रहा है, पहले उंगली पे देखेंगे हम, धागे न धा तिट तिट धागे न धा तिट 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 तिट। पहली 5 मात्रा हमने बना ली, उसके बाद में हमारा कायदा बजेगा, धागे न धा तिट धागे धीना गी न धाति धागे धीना गी। इसी प्रकार ता से बजा लेंगे, ताके न ता तिट तिट ताके न ता तिट 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 धागे न धा तिट धागे धीना गी न धाति धागे धीना गी। इस तरह से हमारी ये पूरी 20 मात्रा हो जाती है। 10 10 के 2 लेके हम 2 आवर्तन में बजा रहे हैं। फिर से देखें एक बार पूरा, मैं उंगली पे बता रहा हूँ आपको, धागे न धा तिट तिट धागे न धा तिट 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 धागे न धा तिट धागे धीना गी न धाति धागे धीना गी न ताके न ता तिट तिट ताके न ता तिट 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 धागे न धा तिट धागे धीना गी न धाति धागे धीना गी। है ना, कोई भी नया बोल इसमें नहीं है, उन्हीं बोलों को हमने उलट पुलट करके नई रचना बनाई है। धागे न धा तिट तिट धागे न धा तिट 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 धागे न धा तिट धागे धीना गी न धाति धागे धीना गी। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, धागे न धा तिट तिट धागे न धा तिट 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 धागे न धा तिट धागे धीना गी न धाति धागे धीना गी न ताके न ता तिट तिट ताके न ता तिट 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 धागे न धा तिट धागे धीना गी न धाति धागे धीना गी। झपताल में एक हमारा पलटा हो गया है ना कायदे का। इसी प्रकार एक दूसरा पलटा हम बनाते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, धीना गीना बोल को हम शुरुआत में ले लेंगे। तो क्या बनेगा, धीना गिन धागे तिट धीना गिन धीना गिन धागे तिट। ये हमारी 5 मात्रा हो गई। पलटे बनाने का क्रम आसान है, जो भी आधा ताल का जो आधा होता है, जैसे 10 मात्रा का ताल है तो 5 मात्रा हो गई, तो हमें सिर्फ 5 मात्रा ही नहीं बनानी है और उसके बाद में बची हुई 5 मात्रा में हमें कायदा बजाना है। बहुत आसान क्रम होता है, इससे हम बहुत सारी रचनाएं कर सकते हैं, बहुत सारी। बस यही है कि बजाते समय हमें उन्हें याद रखना चाहिए, है ना। और इसे लहरे के साथ बजाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, पर अभी मैं चूंकि बार बार ब्रेक कर रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ, इसलिए हम लहरे के साथ नहीं कर रहे हैं। जब हम समक्ष बैठेंगे तो उस समय हम लहरे के साथ इसे पूरा अच्छे से कर रहे हैं। अभी नया हमारा पलटा क्या बना है, धीना गीना धागे तिट, फिर धीना गीना धागे तिट, फिर कायदा ले लेंगे, धागे न धा तिट धागे धीना गी न धाति धागे तीना की न ताके न तीन की न ताके तिट तीन की न ताके तिट धागे न धा तिट धागे धीना गी न धाति धागे तीन धीना गी न धागे तिट धीना गी न धीना गी न धागे तिट धागे धीना गी न धागे तिट धागे धीना गी न धागे तिट धीना गी न धागे तिट धागे धीना गी न धागे तिट धीना गी न धागे तिट धागे 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 धीना
धीना कीना तीना कीना दो बार हमें लेना है। पहले पांच मात्रा हमने कैसे बजाई, धीना कीना धागे थीट, फिर धीना कीना धागे थीट, ये पांच मात्रा हो गई हमारी, एक दो तीन चार पांच। उसी प्रकार से ता से भी होगा, तीना तीना धागे थीट, तीना 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 धागे थीट, और फिर काय का हमें लेना है ना। अब मैं इसे पूरा बजा के बता रहा हूँ, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। धीना गिना धागे थीट, धीना गिना धीना गिना धागे थीट, धागे गिना से। अब इसी में क्या करेंगे हम, इसी पलटे का और उलट पुलट कर बजाएंगे। तो अभी हमने धीना गिना धागे थीट लिया था, और फिर धीना गिना दो बार लिया था। अभी ये धीना गिना को शुरुआत में ले लेंगे, तो ये भी हमारा नया पलटा बन गया, ये भी हमने अभी तक नहीं किया है, है ना। तो ऐसी बहुत सारी रचनाएं हम बना सकते हैं। अब देखिए कैसे, धीना गिना धागे थीट, धीना गिना धागे थीट, सेम अभी जो हमने पलटा सीखा उसी को उल्टा बजाना है। उल्टा मतलब पहले हमने धीना गिना धागे थीट ये पहले बजाया था, अभी हमें क्या करना है, और बाद में बजाया था धीना गिना धागे थीट, तो धीना गिना मतलब तीन मात्रा हमें पहले बजाना है और दो मात्रा जो है वो हमें बाद में बजाना है। इस तरह से हो जाएगा, धीना गिना धागे थीट ये तीन मात्रा हो गई, और फिर धीना गिना धागे थीट ये पांच हो गई, फिर कायदा ले लेंगे, है ना। इस तरह से ये हमारा तीसरा पलटा भी आज का तैयार हो गया। अब इसे बजाएंगे हम एक बार, और इसको मैं कैसे बजा रहा हूँ ये देखें, ही ना ही ही ना ही ना, सीधा पलटा लेंगे हम, धीना गिना धीना गिना धागे थीट, धीना गिना धागे थीट, धागे धीना थीट, धागे धीना थीट, धागे धागे धीना, धीना गिना धीना गिना धागे थीट, धीना गिना धागे थीट, धागे धीना थीट, धागे धीना थीट, पलटे के बीच में अभी प्रैक्टिस सेशन में या प्रैक्टिस करते समय जब रियाज कर रहे हैं उस समय एक बीच बीच में कायदा बजा ले या झपताल बजा ले पूरा, तो आपको 10 मात्रा और भी स्पष्ट रूप से आपके दिमाग में जो है वो एक सर्कल बनता जाएगा 10 मात्रा का, कि एक बार हमने झपताल बजाया उसके बाद में उतनी ही देर में हमने पलटा बजाया, फिर से झपताल बजाया, कायदा बजाया और फिर पलटा बजाया। तो इस तरह से क्या है वो 10-10 की गिनती जो है हमारे दिमाग में एक सर्कल बना करके हमें सम जो आती हुई वो प्रतीत होने लगेगी, कि अब यहाँ पे सम है, यहाँ सम है, मतलब सम की पहचान हमें अच्छे से हो जाएगी। इसी प्रकार एक और पलटा आज हम देख लेते हैं, वो भी बड़ा आसान है। उसमें हमने धा और गैप का यूज किया है, धीना गिना धा, धीना गिना धा, धीना गिना, ये पांच मात्रा हो गई हमारी, धीना गिना धा, धीना गिना धा, धीना गिना हो गया। फिर कायदा ही लेना है हमें, धागे न धाती धागे, धीना गिना धाती धागे, तीना की न ता, तीन की न ता, तीन की न धागे, न धाती धागे, धीना की न धाती धागे, धीना की, धीना की न था, धीना की न था, धीना की न धागे, न धाती धागे, धीना की न धाती धागे, धीना की न धीना की न था, धीना की न था, धीना की न धागे, न धाती धागे, धीना की न धाती धागे, धीना की न धीना की न था, धीना की न था, धीना की न धागे, न धाती धागे, धीना की न धाती धागे, धीना की न धीना की न था, धीना की न था, धीना की न धागे, न धाती धागे, धीना की न धाती धागे, धीना की न धी ना धी धी ना। इस तरह से अब मैं यहाँ पे आपको आज क्या कर रहा हूँ, ये चारों पलटे जो आज हमने नए सीखे हैं इन चारों पलटों को एक बार में पूरा बजा के बताता हूँ। मैं हर पलटे को दो बार बजाऊंगा, क्योंकि हम दुगुन लय में बजा रहे हैं तो यहाँ दो बार बजाना आवश्यक हो जाता है ना।
क्योंकि हमारा एक आवर्तन में तो ये आधे में ही खत्म हो जाएगा, इसलिए हम दो बार बजाएंगे तो ये सम तक जाकर खत्म हो सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले झपताल बजाएंगे, उसके बाद में कायदा बजाएंगे, वो भी दो बार आ जाएगा, एक गुण में कायदा होगा, फिर दो गुण में कायदा बजेगा दो बार, और उसके बाद में हर एक पलटी गुण में दो बार बजा करके आपके समक्ष प्रस्तुत। धी ना धी ना धी ना, आप ताली दे सकते हैं इसके साथ या उंगलियों पे गिन सकते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात, अब कायदा 10, धागी ना धागी धागी धी ना धी ना धी धागी धी ना धी ना ताकी ना ताकी ताकी धी ना धी ना धागी धागी, अब दुगुन धागी ना धागी धागी धी ना धी ना धागी 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 धागी। अब पलटे इस तरह से हम एक साथ बजा सकते हैं। बस ये है, हमें या तो लिख के रखना है सामने या हमें इतनी प्रैक्टिस करना है कि ये हमें अच्छे से याद हो जाए। तो अभी शुरुआत में तो हम लिख के रखें, धीरे धीरे बजाए, और बीच बीच में एक बार झपताल बजाए या कायदा बजाए और फिर पलटा बजाए, फिर कायदा बजाए फिर पलटा बजाए, इस तरह से भी हम इसे याद कर सकते हैं। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी याद होंगे, और रोज बजाने से ये हमें हमेशा के लिए याद भी रह सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, शांति पाठ से क्लास का समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। साई राम।